मैं हूं अमीर राय। मेरे चैनल ग्लोबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे HTML और CSS की मदद से। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे एक टैग लेंगे, सॉरी H1 का टैग लेंगे और इसे हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा लॉग इन हेयर। अब देखिए पेज को रिफ्रेश करके देखिए, मैंने यहाँ पे एक सेंटर का टैग लगाया हुआ है और इसे क्लोज भी किया हुआ है, तो ये सेंटर में लॉग इन हेयर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन हेयर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे काम करना है। तो नीचे काम करने के लिए हम यहाँ पर एक BR का टैग लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे नेम। देखिए यहाँ पे नेम आ गया है। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें यूजर अपना नाम एंटर करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, इसे क्लोज कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है यहाँ पे। इस टेक्स्ट बॉक्स का हम नाम दे देते हैं, जैसे नेम। ठीक है, और वैल्यू हम दे देते हैं नेम, और रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे जो है वैल्यू हमने दिया है वो यहाँ पे आ रहा है, तो हम वैल्यू यहाँ पे अभी नहीं देते हैं। ठीक है, वैल्यू हम नहीं देते हैं यहाँ पे, हम प्लेस होल्डर देते हैं। प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम लिखते हैं। प्लेस होल्डर के बारे में बताता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है एंटर योर नेम, और जब हम कर्सर को यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी क्लिक करके कुछ लिखेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लेस होल्डर, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे ये प्लेस होल्डर दिखेगा। इसी तरह का हम आगे टैग लगाएंगे तो हमें इसके नीचे लिखना है, तो नीचे लिखने के लिए हम यहाँ पे एक BR का टैग लगाएंगे। सॉरी यहाँ पे हम नेम नहीं देते हैं, यूजर नेम देते हैं। यूजर नेम यहाँ भी यूजर नेम। अब रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ यूजर नेम आ गया, लेकिन प्लेस होल्डर में चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम यूजर नेम लिखेंगे। सेव करके जब लॉन्च करेंगे ब्राउज़र पे, देखिए यहाँ पे एंटर योर यूजर नेम आ गया है। फिर अगला जो है, मान लीजिए हमें यूजर से एंटर कराना है ईमेल, तो हम यहाँ पे ईमेल लिखेंगे और टैग लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, हाँ यहाँ पे इस टैग का नाम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं ईमेल, और फिर प्लेस होल्डर भी यहाँ पे देंगे एंटर योर ईमेल। अब देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे ईमेल आ गया और यहाँ पे एंटर योर ईमेल लिखा रहा है प्लेस होल्डर में। तो यहाँ पे जो एक BR का टैग है इसको कॉपी करके दो बार मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखिए थोड़ा सा इन दोनों के बीच में गैप हो गया है। ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म में और क्या होता है, यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो हम पासवर्ड के लिए अब यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे पासवर्ड देंगे, यहाँ टैग में इनपुट टाइप इक्वल्स टू यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, फिर यहाँ पे नेम इक्वल्स टू नेम कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे पास, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं स्टार दे देता हूँ, और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए, ठीक है,
अब हमें एक बटन देना है जिससे यूजर क्लिक करे, ठीक है। तो यहाँ पे बटन देने के लिए एक टैग होता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। नेम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं जैसे लॉगिन, और जो वैल्यू देंगे वही बटन के ऊपर शो करेगा नेम। जैसे मैंने लॉगिन दे दिया और इसे क्लोज किया, जब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लॉगिन हेयर कर दें, सेव करके जब ब्राउज़र को लॉन्च करेंगे तो देखिए लॉगिन हेयर होगा, ठीक है। मतलब जो वैल्यू में हम लिखेंगे वही बटन के ऊपर शो करेगा, यहाँ पे शो कर रहा है। ये एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, तो इसको एक फॉर्म के टैग में हमें लिखना होता है। फॉर्म के टैग में टॉप टैग को हम ओपन करेंगे फर्स्ट में, और फिर फॉर्म का टैग को हम लास्ट में क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे एक्शन होता है लिखना हमें। तो एक्शन का क्या मतलब है? एक्शन मतलब यहाँ पे उस पेज का नाम डालेंगे, सॉरी, जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो पेज का नाम डला हुआ रहेगा वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस पेज का नाम डालेंगे, जैसे हम वेलकम डॉट एस टी एम एल डालते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मेथड लिखा जाता है, मेथड के बारे में, यहाँ पे मेथड में पोस्ट या गेट होता है, तो इसके बारे में हम पीएचपी की क्लास में जानेंगे, अभी हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। जब भी हम फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म का टैग लिखना ज़रूरी है। और इसे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए लॉगिन पे जब हमने क्लिक किया तो ये वेलकम डॉट एच टी एम एल के पेज पे चला गया, ठीक है। मेरे पास वेलकम डॉट एच टी एम एल का पेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है योर फाइल वॉज नॉट फाउंड। अगर होगा तो इस पेज पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इस पेज को अभी रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं। देखिए यहाँ जो यूजर नेम लिखा हुआ है, इसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है वो दूसरे टाइप से, और ईमेल जो है कुछ, मतलब ये सिस्टमेटिक अरेंज नहीं है, तो इसे हमें अरेंज करके लिखना है। मतलब ये, मतलब कोई तरीका नहीं है लिखने का, तो इसे तरीके से लिखने के लिए हम इसे टेबल में लिखते हैं। तो हम इसे टेबल में लिख के देखते हैं कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और इसका बॉर्डर हम दे देंगे 1। फिर टेबल का जो टैग है उसे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमें एक रो लेना है, ठीक है। तो एक टेबल का रो हमने लिया tr, और यहाँ पे टेबल का डेटा एंटर करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, ठीक है, और यहाँ वो इनपुट का टैग डालेंगे जो हमने उस टाइम पे लिखा था, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए नेम इक्वल्स टू, सॉरी, यूजर नेम यहाँ टाइप करना था, यहाँ भी यूजर नेम देना था। और फिर यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर डाला था, एंटर योर नेम, देखिए यहाँ पे एक टेबल का डेटा मैंने डाला टीडी के अंदर, और फिर एक टेबल के डेटा यहाँ पे मैंने डाला और यहाँ पे टीडी को क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद अपने ब्राउज़र को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे यूजर नेम आया और यहाँ पे एंटर योर यूजर नेम, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में आ रहा है, ठीक है। देखिए अगला था मेरा ईमेल, तो टेबल का ये एक रो था, ठीक है, ये एक रो था।
अगला रो हम बनाएंगे टेबल का। देखिए टेबल का एक नया रो हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट हमने कर दिया। अब टेबल का डेटा डालेंगे, तो यहाँ पे था ईमेल और यहाँ था ईमेल का टैग। और यहाँ पे टेबल का डेटा को क्लोज कर देंगे, फिर ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सिस्टमेटिक वे में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम पासवर्ड के लिए करेंगे। मैं यहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ और फिर यहाँ पे पासवर्ड में लिख देता हूँ। नेम में कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पासवर्ड का भी एक फील्ड आ गया। ठीक है, अब हमें बटन बनाना है। बटन बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक और टैग लेना होगा और फिर देखिए यहाँ पे अब बटन का नाम डालेंगे, जैसे मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन और वैल्यू मैं इसका लॉगिन ही दे देता हूँ। और जब पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये टेबल में आ रहा है तो थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ बॉर्डर जो है 1, इसको हम 0 कर देंगे। देखिए ये जो टेबल का जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। देखिए अब थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। ये जो बटन है, इस बटन को हम एक टैग होता है, मैंने आपको पहले के क्लासेस में ही बताए हुए हैं, एक NBSP का टैग होता है। ये जो बटन है यहाँ पे, इसको अगर हमको यहाँ लाना है तो इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो देखिए ये जो है थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से भी हम कर सकते हैं और यहाँ पे कॉल स्पैन लगा के भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉल स्पैन अगर मैंने 2 कर दिया, सॉरी यहाँ पे 2 ही कॉलम है, और यहाँ पे कॉल स्पैन नहीं लगेगा। यहाँ पे हम अलाइन कर सकते हैं, अलाइन इक्वल्स टू अलाइनमेंट। यहाँ पे अगर अलाइनमेंट राइट लगाएंगे तो देखिए, आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये राइट में एडजस्ट हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप अपने लॉगिन फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए जब लॉगिन को क्लिक करेंगे तो ये welcome.html पे चला गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसे CSS का रूल लगा के थोड़ा डिजाइन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।